पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी उठापटक जारी है। चाचा और भतीजे के बीच लोजपा पर अधिकार का जो दावपेच है वो जारी है। दोनों में जो अधिकार को लेकर के लड़ाई है वो जारी है। इस बीच आज पारस गुट की तरफ से पटना में प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई गई है। चिराग पासवान से अलग होने के बाद आज पहली बार प्रदेश कमेटी की बैठक पारस खेमे की तरफ से बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज कर रहे हैं। उधर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा भी जारी है। चिराग पासवान आज नालंदा में अपनी यात्रा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में चिराग अपनी ताकत दिखाएंगे। नालंदा में आशीर्वाद यात्रा करने के बाद चिराग पासवान बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे। बेगूसराय में वे रात्रि विश्राम करेंगे। इसके पहले चिराग पासवान ने शनिवार को नवादा में आशीर्वाद यात्रा की थी। पारस खेमे की तरफ से आज जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में अन्य मसले पर भी चर्चा की जाएगी। संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। लोजपा के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। जी हां, बैठक चल रही है और बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। पारस गुट की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है वो बैठक चल रही है और प्रदेश कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। प्रिंस राज बैठक कर रहे हैं और बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।